एमपी न्यूज, मैं हूं निधि आपके साथ। और चलिए एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आपको बता दें कि सीएए और एनआरसी को लेकर देश भर में कहीं विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है तो कहीं इसके समर्थन में भी अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है, तमाम जनता को साधने की कोशिश की जा रही है इसके समर्थन में। वहीं आरएसएस भी लगातार प्रयासरत है सीएए पर समर्थन जुटाने के लिए। सभाएं और गांव स्तर पर संपर्क अभियान चलाए जाएंगे। अब ये जिम्मेदारी संघ प्रचारकों को सौंपी गई है। आरएसएस अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएए के पक्ष में माहौल बनाने के लिए काम करेगा। राजधानी भोपाल में संघ की अहम बैठक जो जारी है, उसके दूसरे दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दोनों प्रदेश यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाग प्रचारकों के साथ चर्चा की। इस दौरान सीएए, राम मंदिर और गौ सेवा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएए के विरोध प्रदर्शन में युवाओं की संख्या अधिक देखने में आई है, इसी वजह से संघ की नजर खास तौर पर युवाओं को साधने पर लगी हुई है। बुधवार से संघ प्रमुख की अनुषांगिक संगठनों के साथ बैठक का दौर शुरू होगा, और जिसमें मध्य भारत क्षेत्र के कई संगठन, वहीं एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े बीजेपी नेता भी इसमें शामिल होंगे। और एक बार फिर सीएए और एनआरसी को लेकर मंथन किया जाएगा कि कैसे इसके समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। इसी बीच मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बीजेपी नेता अजीत बौरासी ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर सीएए का विरोध किया है। एक तरफ जहां बीजेपी और आरएसएस इसके समर्थन में अभियान तक चला रही है, वहीं बीजेपी के ही एक नेता ने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सीएए का विरोध किया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि एनआरसी और सीएए में केवल मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा बल्कि इसमें एससी एसटी और ओबीसी भी जाएंगे। इसे एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ें, सब समझ आ जाएगा। मैं भीड़ नहीं जो गलत के पीछे भी चुपचाप चलता रहूं, कुछ इस तरह से लिखते नजर आए अजीत बौरासी फेसबुक पर। आपको बता दें कि वे उज्जैन जिले की आलोट सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, 15 दिसंबर को इसी फेसबुक अकाउंट से उन्होंने सीएए के समर्थन में एक पोस्ट लिखी थी, और अब हाल ही में उन्होंने सीएए का विरोध किया है उसी फेसबुक अकाउंट से। तो अब ये जो पोस्ट है वो काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है, और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी जो पार्टी है अपने अपने घर में ही घिरती नजर आ रही है। जब बीजेपी के नेता ही इस तरह की पोस्ट शेयर करेंगे, इस तरह से सीएए का विरोध करेंगे, तो पार्टी की मुश्किलें बढ़ना लाजमी सी बात है। आपको ये भी बता दें कि गौर करने वाली बात यह है कि वैसे कई नेता जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं वे भी बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं, और अब सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट है तो लगातार बीजेपी को नई नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी बीजेपी और आरएसएस लगातार लगे हुए हैं कि किस तरह से देश भर में इस कानून को लागू किया जा सके और जनता का समर्थन हासिल किया जा सके। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, और आईफा अवार्ड 2020 का आयोजन मध्य प्रदेश में जो होने जा रहा है, इसे लेकर तमाम तरह की सियासत भी अब तेज़ हो चुकी है। बीजेपी तमाम सवाल उठा रही है जिसका जवाब अब सीएम कमलनाथ ने एक ब्लॉग के जरिए दिया है। उन्होंने आईफा अवार्ड्स के आयोजन का उद्देश्य और किस तरह से इस आयोजन से मध्य प्रदेश को फ़ायदा मिलेगा, ये तमाम बातें उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखी है, और विपक्ष को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया है। आपको इस ब्लॉग की डिटेल्स बताना चाहेंगे। अपने ब्लॉग में सीएम ने लिखा कि सिंगापुर में आईफा अवार्ड का आयोजन किया गया था जिससे वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ गई। तब ये तय किया गया कि इस आयोजन को लेकर एक स्टडी की जाएगी। जब ये स्टडी की गई तो इसके नतीजों ने सिंगापुर को चौंका दिया। उन्होंने पाया कि बाजारों में खरीदारी काफ़ी बढ़ गई, होटलों ने भी अच्छा कारोबार किया, बड़ी संख्या में पर्यटक सिंगापुर पहुंचे और लंबे समय के लिए सिंगापुर को बड़े निवेश भी मिले। तो इस रिपोर्ट के बाद अब मध्य प्रदेश में भी इसी तर्ज पर ये आयोजन किया जा रहा है। वैसे और भी कई बातों का जिक्र किया है सीएम ने। उन्होंने कहा कि आईफा से मध्य प्रदेश की अलग पहचान बनेगी। मैं चाहता हूं कि अब पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश की पहचान अच्छे संदर्भों में स्थापित हो, इसलिए मैंने आईफा को आमंत्रित किया है।
मध्य प्रदेश में आईफा के आयोजन की तारीखों का ऐलान जैसे ही हुआ, वैसे इंदौर के ज़्यादातर होटल्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। बाजार ने अपने व्यवसाय की तैयारियां भी शुरू कर दी है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों में भी रौनक बढ़ने लगी है। कुछ इस तरह से सीएम कमलनाथ कहते नजर आए कि मध्य प्रदेश को क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अभी तो सिर्फ इस आयोजन की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसी से मध्य प्रदेश में अलग तरह का एक रौनक देखी जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी गई है। सीएम ने यह भी कहा कि मैं अपनी मध्य प्रदेश की गौरवशाली विरासत से आश्वस्त हूँ। आज जब हम इस गौरवमयी आयोजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब पक्ष विपक्ष और समूचा प्रदेश मिलकर प्रदेश की प्रगति और प्रतिष्ठा का मान रखे। तो इस तरह से विपक्ष को भी न्योता दिया है सीएम कमलनाथ ने कि वे भी इस आयोजन में शामिल हों, इसका हिस्सा बने और इस आयोजन की प्रतिष्ठा का मान रखे। तो एक विस्तृत ब्लॉक के जरिए सीएम ने तमाम सवालों के जवाब देने का प्रयास किया। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी इन जवाबों से संतुष्ट हो पाती है और क्या वाकई मध्य प्रदेश के विकास को और गति मिल पाती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वहीं अब बात करेंगे भोपाल की, तो भोपाल में भाजपा नेता विश्वास सारंग का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये सेठों की सरकार है, सरकार अब माफिया के रूप में काम करेगी, मंदिरों की जमीन हड़पने की साजिश कर रही है, अब भाजपा इसे सहन नहीं करेगी। माफिया मुहिम के पीछे इनकी मंशा सिर्फ इतनी है कि कैसे उद्योगपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। शिवराज सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई कई योजनाएं भी सरकार ने बंद की, जैसे मेधावी छात्र योजना, स्मार्टफोन योजना, साइकिल योजना, तमाम योजनाएं सरकार ने बंद की। सरकारी खजाने के खाली होने की बात हमेशा सरकार करती है, लेकिन दूसरी तरफ आईफा अवार्ड्स जैसे बड़े खर्चीले आयोजन को मंजूरी दे देती है। कमलनाथ सरकार के राइट टू वाटर एक्ट पर भी विश्वास सारंग ने कहा कि ये सिर्फ एक जुमला है, कांग्रेस राजनीतिक सरगर्मी पैदा करना चाहती है। वहीं भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी सफाई देते नजर आए। दरअसल सरकार द्वारा खाली जमीन की बिक्री पर जिस तरह से सवाल उठाए गए, इसके जवाब में मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ऐसी जमीन जहां पर मठ मंदिर नहीं है, जो दानदाताओं ने दान की है मंदिरों के लिए, उन ज़मीनों के बिकने से भी फायदे ही होंगे। जो भी पैसा आएगा उसका उपयोग मंदिरों के विकास कार्य में ही किया जाएगा, ज़मीन बिक्री का पूरा पैसा मंदिरों के जीर्णोद्धार में ही लगाया जाएगा। वहीं एक और ऐलान किया मंत्री पीसी शर्मा ने, उन्होंने कहा कि शासकीय स्कूलों में अगले सत्र तक 22,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी। तो तमाम शिक्षकों के लिए खुशखबरी है कि अगले सत्र तक 22,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी शासकीय स्कूलों में। ये नियुक्ति 13 साल बाद की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही मलेरिया समाप्त हो, इसके लिए NGO भी बनाया जाएगा। तो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐलान करते नजर आए मंत्री पीसी शर्मा। वहीं एक और अपडेट आपको देना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में जल्द ही निगम मंडलों में चेयरमैन पदों पर नियुक्ति होने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस महीने के अंत तक नामों का ऐलान हो सकता है। जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है, तब से ही निगम मंडल अध्यक्ष के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन इसे टाल दिया गया था। पर अब जब जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, तब राजनीतिक दबाव के चलते इन पदों पर नियुक्ति की तैयारियां भी चल पड़ी है। कई नेता ऐसे हैं जो मंत्री पद तो नहीं पा सके, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि वे निगम मंडलों में अध्यक्ष का पद ही पा सकेंगे। वैसे इन नामों की एक लंबी लिस्ट है जिनमें से नाम तय किए जाना है। माना जा रहा है कि वैसे कई नाम संभावित है, पर कुछ दिनों का इंतज़ार अब भी बाकी है ये जानने के लिए कि निगम मंडलों के अध्यक्ष पदों पर कौन काबिज होगा। वैसे फिलहाल कांग्रेस में मंथन का दौर अभी भी लगातार जारी है। तो MP न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MP न्यूज़। धन्यवाद। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।